मंगलवार रात बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। बीजेपी की इस लिस्ट में कई सांसदों के नाम हैं। इन्हीं नामों में से एक है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर दो बार मुरैना और एक बार ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं। राज्य की सियासत पर नजर रखने वालों की माने तो नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है। नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 15 सालों से राज्य की राजनीति से बाहर है। वो आखिरी बार साल 2008 में ग्वालियर से विधायक चुने गए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अब तक उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर दी है। इन दो लिस्ट में घोषित किए गए कुल 78 प्रत्याशियों में शिवराज सिंह चौहान को कहीं जगह नहीं दी गई है। वो साल 2006 से ही बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज समर्थकों की माने तो सीएम इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके नाम के ऐलान को लेकर ज्यादा अटकलें नहीं लगानी चाहिए। एमपी में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को भोपाल में कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा, पीएम ने एक बार भी शिवराज सरकार की एक भी स्कीम का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीएम का नाम नहीं लिया। नरेंद्र तोमर की दोबारा एंट्री निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव लेकर आएगी। ऐसे में अब नरेंद्र तोमर की मध्य प्रदेश में दोबारा एंट्री शिवराज के लिए क्या नया मोड़ लेकर आती है और पार्टी में उनका भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।